हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरा हटके बाय विशाली सेठी। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा, जो कि है नारियल के लड्डू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 250 ग्राम खोया, आधा कप नारियल, आधा कप चीनी, 2 से 3 चम्मच दूध और देसी घी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और पैन में हमारे नारियल को डालेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ज्यादा इसे नहीं भूनना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। दूध हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे जो लड्डू बने तो उनकी बाइंडिंग अच्छे से हो पाए। अब हम अपने नारियल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर ठंडा होने देंगे। और हम इसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें हमारा खोया ऐड करेंगे हम सारा। हम खोए को भी मीडियम फ्लेम पर ही चला रहे हैं। इसका जब तक रंग नहीं बदल जाता तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए खोए का रंग बदल चुका है। गैस हम अपनी ऑफ करते हैं और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे ध्यान रखिएगा स्टील के बर्तन में ही निकालिएगा, जिससे जल्दी ठंडा होगा और हम लड्डू बना पाएंगे। ये देखिए हमने इसको बर्तन में निकाल लिया खोए को। इसको हम ऐसे फैला देते हैं पहले एक बार। नारियल का हम वो इसमें ऐड करेंगे, शुगर भी इसमें हम ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इसको अपने हाथ से मिक्स करिएगा इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इन सबको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए सब मिक्स हो चुका है। अब इसको हम जिस तरह से लड्डू बनाते हैं अपने हाथ में लेके, हम इसको उस तरीके से रोल करेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो खोया आपका अच्छे से मैश हो। मोटे मोटे दाने अगर खोए के रह जाएंगे तो फिर ये कहीं से मीठा हो कहीं से फीका रह जाएगा लड्डू, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से हाथ में लेके हम लड्डू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं। इतने यम्मी बने हैं और इतनी जल्दी तैयार हो गए हैं। आप इसको एंजॉय करिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।